कोरोना वायरस संकट के कारण देश में लगाए गए 21 दिनों के लॉकडाउन को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इसके तहत 80 करोड़ गरीबों को अगले 3 महीने तक मुफ्त आटा या चावल और 1 किलो दाल देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा गरीब महिलाओं को सिलेंडर भी मुफ्त में मिलेगा। 1.70 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया जाएगा और डीबीटी के माध्यम से पैसे भी ट्रांसफर किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रवासी मजदूरों और शहरी ग्रामीण गरीबों की तुरंत आवश्यकता के लिए पैकेज तैयार है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इसके अलावा सरकार ने ईपीएफ को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। इसके तहत 3 महीनों तक कंपनी और कर्मचारी दोनों के हिस्से का योगदान सरकार की ओर से जाएगा। यह घोषणा उन संस्थानों के लिए है जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90% कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये से कम है। सरकार की ओर से कोरोना की लड़ाई में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य स्टाफ के लिए 50 लाख का इंश्योरेंस कवर देने की भी घोषणा की। इससे 20 लाख कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को अगले 3 महीने तक 5 किलो चावल गेहूं मुफ्त देने की घोषणा की। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को कवर किया जाना है। इसके अलावा हर परिवार को 1 किलो दाल भी मिलेगी। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी 8 करोड़ महिलाओं को भी अगले 3 महीनों तक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के मजदूरों और गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों और मजदूरों की मदद की जा रही है। उन्होंने कहा, कोई गरीब खाने की समस्या से न जूझे, इसलिए इस पैकेज के माध्यम से 5 किलो गेहूं या चावल करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले 3 महीने तक दिया जाएगा। यह लाभ PDS के तहत मिलने वाले लाभ से अलग होगा। इसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज में किसानों के लिए भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए अन्नदाता साल भर भरपूर कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, किसानों के खाते में 2,000 रुपये की किश्त हर महीने डाली जाएगी। 8.70 लाख किसानों के खाते में अप्रैल के पहले हफ्ते में ये किश्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये किश्त किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही है। अब तक किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से जो लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उनके लिए मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। इससे उनकी आय में करीब 2,000 रुपये की वृद्धि होगी। इसके अलावा 20 करोड़ महिला जनधन खातों में अगले 3 महीने तक 500 रुपये डाले जाएंगे। मनरेगा की तरह ही वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त 1,000 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। 2 अलग अलग किश्तों में ये पैसा दिया जाएगा। यह पैसा सीधे उनके बैंक खातों में जाएगा ताकि किसी भी तरह से कोई उनका हक न मार सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान असंगठित के अलावा संगठित क्षेत्र के लिए भी पैकेज की घोषणा की। इसी तरह अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आई सॉफ्ट गाइड चैनल से। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।